तो स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स मूवी का एक और ट्रेलर आ गया है एंड इस बार सोनी ने इस मूवी के दो ट्रेलर रिलीज किए हैं एंड भाई दोनों ट्रेलर्स देखने में बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं एंड इसमें एक इंटरनेशनल ट्रेलर भी है जिसकी स्टार्टिंग के 20 से 30 सेकंड में हमें जो अपने तीन ओजी स्पाइडरमैन थे उनकी पुरानी मूवीज के भी कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जिससे पता चलता है कि मूवी में हमें इन तीनों स्पाइडरमैन के एनिमेटेड वर्जन भी देखने को मिलेंगे एंड इस ट्रेलर में हमें जो स्पाइडरमैन की एक पॉपुलर मीम है वो भी देखने को मिलती है एंड इसके साथ साथ हमें ट्रेलर में स्पाइडरमैन 2099 भी देखने को मिलता है जिसका नाम है मैग्वाइल ओहारा होप्सो के मैंने सही प्रोनाउंस करा है एंड इसमें जो अपना स्पाइडरमैन 2099 है इसने एक मल्टीवर्स की स्पाइडर सोसाइटी बनाई है जिसमें इसने सारे स्पाइडरमैन को इंक्लूड करा है सिर्फ माइल्स मुरालिस वाले स्पाइडरमैन को छोड़ के एंड हमें ट्रेलर में बताया जाता है कि माइल्स मुरालिस भी स्पाइडर सोसाइटी में ज्वाइन होना चाहता है पर स्पाइडरमैन 2099 उसे इसमें इंक्लूड नहीं करता एंड हाँ अगर तुम्हें पता नहीं है तो मैं तुम्हें बता दूं कि इसमें स्पाइडरमैन 2099 को अपने ऑस्कर आइजैक यानी कि मून नाइट ने अपनी वॉइस दी है एंड इसकी जो पहली मूवी थी स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स उसमें जिस तरह की एनिमेशन स्टाइल दिखाई गई थी इसमें भी वही एनिमेशन स्टाइल दिखाई गई है पर इसमें दिखाया गया एनिमेशन और भी ज्यादा स्मूथ लग रहा है एंड वैसे तो हमें इसमें और बहुत सारे स्पाइडरमैन देखने को मिलने वाले हैं इसमें से एक अपना इंडियन स्पाइडरमैन भी है एंड मैं इंडियन स्पाइडरमैन को देखने के लिए और ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि जब स्पाइडरमैन इंडिया की कुछ पहली इमेजेस रिलीज करी गई थी तो उसमें स्पाइडरमैन का सूट इतना अच्छा नहीं लग रहा था पर अब जब उसी सूट को ट्रेलर में दिखाया गया है तो वो सूट और ज्यादा अच्छा लग रहा है एंड इसके अलावा इसमें हमें स्पाइडर वुमन भी देखने को मिलने वाली है एंड इस ट्रेलर में हमें एक और कैरेक्टर दिखाया गया है जो कि इस मूवी का मेन विलन है जिसका नाम है द स्पॉट एंड वैसे तो इसके बहुत कम ही सीन्स थे ट्रेलर में पर जितने भी सीन्स थे वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थे एंड इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज है एंड वो है इस चैनल का सब्सक्राइब बटन तो कर लो सब्सक्राइब एंड इसके साथ साथ ट्रेलर में स्पाइडरमैन 2099 नो वे होम के इवेंट को भी एड्रेस करता है जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज एंड पीटर ने मिलकर मल्टीवर्स में बहुत ज्यादा बकचोदी करी थी एंड स्पाइडरमैन 2099 का फेस देख के ही लग रहा है कि वो इस डॉक्टर स्ट्रेंज एंड पीटर के कांड से बिल्कुल भी खुश नहीं है एंड हो सकता है कि पूरे स्पाइडरवर्स को इस नो वे होम के इवेंट के बारे में पता हो पर फिर भी पूरे ट्रेलर में मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि इसमें स्पाइडरमैन 2099 माइल्स मुरालिस के पीछे क्यों पड़ा है आखिर वो माइल्स को स्पाइडरवर्स में क्यों नहीं आने देना चाहता पर ओवरऑल अगर हम ट्रेलर को देखें तो भाई ट्रेलर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है एंड तुम मुझे कमेंट्स में अपना ओपिनियन बताओ कि तुम्हें इस मूवी के बारे में क्या लगता है एंड इसके अलावा मैंने एक 600 करोड़ की इंडियन सुपर हीरो मूवी के बारे में भी बात करी है तो तुम यहाँ पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हो एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना एंड वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वो भी जरूर से कर देना एंड पर्सनल कनेक्शन के लिए तुम मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।